अच्छा जी, अब आ जाते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। जब भी हम कोई कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में जब हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस वक्त इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। अच्छा जी, हार्ड डिस्क मस्ट हैव कंसिस्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट वेयर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अबाउट द डिस्क। अब देखिए, कोई भी हार्ड डिस्क है उसमें लाजमी तौर पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिसमें कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो इस डिस्क से मुतलका। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है, द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड देयर टाइप्स। अभी हमने देखा कि इसमें इस इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितनी हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, इन अदर प्लेस रिक्वायर्ड वेयर बायोस कैन लोड इनिशियल बूट प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स द प्रोसेसिंग ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक और बस है, जैसे सबसे पहले पहले हमने बायोस के बारे में पढ़ा था कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसका चलता है, और उसमें जो परमानेंट मेमोरी होती है, रोम जो हमने पढ़ी थी, उसमें कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि जब ये कंप्यूटर स्टार्ट हो तो उसने क्या करना है, उसे कहाँ पे जाना है। तो उस ये उस जैसा एक इनिशियल बूट प्रोग्राम होता है जो इसमें रखा जाता है। द प्लेस वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड या MBR। ठीक है, मसलन आपने एक हार्ड डिस्क ली, वो अभी उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, आपने अपने सिस्टम के साथ लगा दी। अब आप कंप्यूटर को ऑन किया, अभी तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं उस वक्त बिल्कुल इनिशियल बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, बायोस तो होता है, आप बगैर हार्ड डिस्क के भी मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, उसके बेसिक इनपुट आउटपुट में आप देख सकते हैं क्या होता है। तो अब वो उस तरह की ये चीज होती है कि जब आप एक अपने सिस्टम इसमें जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने लगते हैं, तो वो क्या करता है कि हार्ड डिस्क में सबसे पहले MBR बनाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है मास्टर बूट सेक्टर या बूट सेक्टर। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन क्या है, इसने चलने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर ने कहाँ से लोड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन MBR में होती है द मास्टर। अच्छा, यहाँ पे को जी अक्सर ये पहले क्या होता था कि मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है, ये खसूसन XP में, विंडोज XP जब थी तो उस वक्त ये बहुत प्रॉब्लम आती थी कि वो इसका MBR उड़ MBR की जो फाइल थी वो उड़ जाती थी एक वायरस की वजह से। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते थे तो वो विंडोज लोड करते करते दोबारा से रिस्टार्ट होता था, फिर उस पे आ जाता था, फिर वो दोबारा, यानी कि वो रिस्टार्ट करता रहता था, क्योंकि उसको MBR में वो फाइल मिलती नहीं थी कि जिस पे इंफॉर्मेशन हो कि कहाँ से फाइल उठा के लोड करनी है, तो वो फाइल उड़ा देता था MBR। तो ये फाइल होती है इंपॉर्टेंट। द मास्टर बूट रिकॉर्ड इज ऑलवेज लोकेटेड एट सिलेंडर जीरो, हेड जीरो एंड सेक्टर वन। अब इसका जो एड्रेस है वो क्या है, सिलेंडर जीरो, हेड जीरो और फर्स्ट सेक्टर में जीरो हेड पर जीरो, ये इसका परमानेंट है कि ये इसका एक रूल MBR यहीं पे हो। दिस इज द कंसिस्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज यूज्ड बाय द डिस्क। जब भी वो डेटा को रीड करे ना, जो ही कंप्यूटर आपने ऑन किया, बायोस चली, बायोस चलने के बाद अब MBR फाइल को ओपन करेगा, तो वो डेटा को कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका होगा सिलेंडर जीरो, हेड जीरो और सेक्टर वन पे जाएगा और उस पे से इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। वहां पर जो फाइल पड़ेगी वो MBR होगा। अच्छा, अब क्या होगा, व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड बायोस बूट्स द कंप्यूटर, इट विल ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट सेक्टर फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसीडिंग द बूट प्रोसेस एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो यहाँ से इसको रीड करेगा और उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। जी, इसके बाद है जी, द मास्टर बूट रिकॉर्ड इज ऑलवेज गोइंग सिलेंडर, ये हो गया। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ मास्टर बूट रिकॉर्ड अगर हम देखें, द मास्टर बूट रिकॉर्ड कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मास्टर पार्टीशन टेबल, द मास्टर पार्टीशन टेबल कंटेन्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीशन हार्ड डिस्क। एक टेबल होगा जिसके ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी, हार्ड डिस्क के ऊपर जितनी भी पार्टीशन है उन सारी की डिस्क्रिप्शन होगी इस टेबल में। द मास्टर पार्टीशन टेबल कैन स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर पार्टीशन। इट मीन्स दैट अ हार्ड डिस्क मे ओनली हैव फोर पार्टीशन नोन एज अ प्राइमरी और फिजिकल पार्टीशन। अब इसमें क्या है कि इसमें चूंकि जितनी गुंजाइश रखी गई है कि सिर्फ चार की इंफॉर्मेशन वो रख सकता है, तो
इसलिए ये फोर पार्टीशन होंगे. एनी एडिशनल पार्टीशन मस्ट बी लॉजिकल पार्टीशन दैट आर लिंक्ड टू एनी प्राइमरी पार्टीशन. अब इसके बाद भी आप रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो किसी न किसी जो वो एज अ लॉजिकल काम करेगी और एज अ प्राइमरी के अंडर आएगी. वन पार्टीशन इज मार्क्ड एज एक्टिव, द एक्टिव पार्टीशन इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म द बूट प्रोसेस. उसमें से किसी एक को आपने एक्टिव करना होगा. जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है. मास्टर बूट कोड दूसरी चीज आ गई. एक तो मास्टर पार्टीशन टेबल हो गया, दूसरी मास्टर बूट कोड. द मास्टर बूट रिकॉर्ड इज द कोड दैट इज लोकेटेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय बायोस टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस. ठीक है, द मास्टर बूट रिकॉर्ड इज द कोड दैट इज लोडेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय बायोस टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस. द कोड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बूट प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द बूट पार्टीशन टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये जो कोड होगा ये BIOS से जब स्टार्ट होगा एक्सिक्यूट बाई द BIOS उसको स्टार्ट करेगा और बताएगा. जैसे इसके ये फिक्स्ड है सिलेंडर जीरो, हेड जीरो, सेक्टर वन, तो उस पर जाए और वहां पर इंफॉर्मेशन देखे कि कहाँ से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है. द कोड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बूट प्रोग्राम. ठीक है, बूट प्रोग्राम को वो कंट्रोल जो है या BIOS क्या करेगा, अपना सारा कंट्रोल हमने पढ़ा था ट्रांसफर कर देगा उसको कि भाई मैंने आप कंप्यूटर को ऑन कर दिया, आप देखो तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद करो. और फिर वो देखेगा उसमें इन्फॉर्मेशन पार्टीशन की सारी उसमें इन्फॉर्मेशन होगी कि कहाँ से मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है. द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मास्टर बूट रिकॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अ सीरियस डेटा लॉस मे अकर इफ इट इज डैमेज्ड और करप्ट. द मास्टर बूट कोड इज द फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन. अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वो सबसे पहला प्रोग्राम, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है एग्जीक्यूट होता है, तो वो क्या है, मास्टर बूट कोड. मास्टर बूट कोड वो कोड है जो सबसे पहले वो ये प्रोग्राम चलेगा जब कंप्यूटर आपका टर्न होगा, तो मास्टर बूट कोड. ये था GMBR. और इसको अगर मैं देखता हूँ, इस वक्त मेरे जहन में चीज है नहीं लेकिन शायद ये देखने से आ जाए. सी ड्राइव में आता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास देखिए विंडोज पड़ी है और इस विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा सारा इस विंडोज के फोल्डर में है. ठीक है जी, और ये बूट का सारा कोड है. उस पर MBR के नाम से एक फाइल होती थी. खैर चलें, तो बात में भी मेरे जहन में नहीं आ रहा. वैसे ही विंडोज XP में यहाँ पे MBR के तो वो बनी होती थी फाइल, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी होती थी जो हम जिससे छेड़खानियाँ भी करते होते थे किसी ज़माने में. पर ये है जी हमारे पास विंडोज का फोल्डर. इसमें अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो ये कितने GB इसमें ले रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहा है देखिए. और ये कौन सा फाइल सिस्टम है, NTFS फाइल सिस्टम है. ठीक है, क्योंकि FAT वो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप USB लगाते हैं तो उसमें वो पुराना दिखा रहा होता है, FAT32 दिखा रहा होता है. तो ये विंडोज का जो फोल्डर है ये इसको भी कैलकुलेट कर रहा है कि ये कितने GB का ये फोल्डर है सिर्फ एक. इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं.